नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉटस्टॉक्स, मैं हूं पल्लवी। मार्केट में आज तेजी थी, उम्मीद के मुताबिक फेड की दरों में जो बढ़ोतरी हुई उसके चलते तेजी देखने को मिली। निफ्टी अब तक के उच्चतम स्तर पर क्लोज हुआ। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। कारोबार खत्म होते हुए सेंसेक्स 188 अंक, निफ्टी 69 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पावर, रियल्टी और IT शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। आज के सेशन में BSE के सभी सेक्टर इंडाइसेस हरे निशान में ही क्लोज हुए। FIs और DIs के आंकड़ों की बात करें तो आज FIs की तरफ से ऑलमोस्ट 1360 करोड़ की कैश में खरीदारी रही, में DIs की तरफ से बिकवाली का रुख रहा। ऑलमोस्ट 88 करोड़ की कैश में बिकवाली देखने को मिली। मार्केट के एक्सपर्ट फिलहाल क्या कह रहे हैं, क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आज की तारीख में भी इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इंडेक्स को एक बाजू पर रखते हैं बट इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान दें, तो आई थिंक समझ में आता है कि वैल्यूएशन के नजरिए से देखो तो मेनी स्टॉक्स आर गोइंग पर्टिकुलरली वेरी वेरी अट्रैक्टिव। स्टेट बैंक की बात करें, आई थिंक विद इन द बैंकिंग स्पेस इट स्टिल कोटिंग एट अराउंड 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू। बजाज ऑटो जैसी कंपनी की बात करते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर, तो आई थिंक इट स्टिल कोटिंग एट अराउंड 14 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो। टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो करीबन 10.5-11 का प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर कंपनी आज की तारीख में भी ट्रेड कर रही है। मेरा एक पॉइंट ऐसा है कि दिस आर सम ऑफ द लार्ज कंपनीज, क्वालिटी फ्रेंचाइजीज इन देयर ओन स्पेस, एंड दिस काइंड ऑफ कंपनीज हैव स्टिल नॉट पार्टिसिपेटेड इन टू द मार्केट्स। तो बाजार के एक्सपर्ट क्या मानते हैं, वो आपने सुना, देवीन चौकसी बात कर रहे थे कि कई शेयर्स की वैल्यूएशन अभी अट्रैक्टिव लग रही है, वहां पर बेट किया जा सकता है। आज के एक्सपर्ट आशीष शिंदानी हमारे साथ मौजूद है। गुड इवनिंग आशीष, मार्केट में फिलहाल स्ट्रेंथ है, पहला रिएक्शन जो बाजार ने हफ्ते की शुरुआत में दिया बेहद शानदार, उसके बाद थोड़ा कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन दिखा, लेकिन एक बार फिर से आज नए हाईज टच हुए और 9553 के लेवल्स पर क्लोजिंग रही है। कल की ओपनिंग कैसी देख रहे हैं आप, आखिरी दिन होगा कारोबारी हफ्ते का? ये मुझे लगता है मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है। आज भी हम देखें कि मार्केट जो तेजी के साथ खुला हो, तेजी खोई नहीं मार्केट ने, ये कहीं ना कहीं एक एग्जांपल है कि सेलर्स थोड़ा कतरा रहे हैं अभी यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए, और बहुत सारे लॉन्ग पोजीशन ऐड होती जा रही है। फेड की तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल आया था तो उसका हमने रिएक्शन भी देखा मार्केट में विद अ पॉजिटिव गेन। मुझे लगता है पॉजिटिविटी एटलीस्ट अगले 1-2 हफ्ते तक रहनी चाहिए। GST के ऊपर भी अभी हम एक पॉजिटिव न्यूज देख रहे थे, तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है नेगेटिविटी सिस्टम में भी है नहीं, तो शॉर्ट करना की तो सलाह यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगी। बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। राइट, और इनफैक्ट GST की जहां तक बात है तो काउंसिल की बैठक में स्टेट GST और यूनियन टेरिटरी GST को मंजूरी मिल गई, यानी कि एक स्टेप और आगे बढ़ गई है सरकार। साथ ही जो डीमेरिट गुड्स हैं और लग्जरी आइटम्स हैं उन पर भी सहमति फाइनली बन गई है। सेस की दरों पर फैसला बाद में लिया जाएगा, ये आज के बैठक के बाद कुछ स्टेटमेंट्स आए। अब सभी 5 विधेयकों को कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। Today's agenda predominantly was the SGST law and the UT, that's the Union Territory GST law. The officers had already done the groundwork for this. Both these drafts had been circulated, and the 12th meeting today approved the SGST law and the UT GST law. जी, तो आपने वित्त मंत्री को भी सुना, जो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला बाद में लिया जाएगा, यानी कि इस सामान पर कितना GST लगेगा इसका फैसला 31 मार्च के बाद होगा। लेकिन अब दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं, एक बार फटाफट तरीका बता दें आपको, आप टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। पहला सवाल आशु का है जो कि बरेली से है, और इनका क्वेश्चन आशीष है GSFC को लेकर। इनके पास क्वांटिटी काफी है, 3000 शेयर्स है इनके पास जो कि 116 के स्तर पर लिए हुए हैं। इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, क्या सलाह है आपकी? इनको होल्ड करने की सलाह मेरी तरफ से, क्योंकि आप देखिए चार्ट GFC का अभी भी पॉजिटिव है, अपने ऑल टाइम हाईज को अप्रोच कर रहा है। मुझे लगता है 125-126 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो 140 के लेवल हमको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके रखें, एक स्टॉप लॉस 112 रुपए के आसपास का जरूर मेंटेन करें। अगला सवाल है प्रशांत का लखनऊ से, SBI को लेकर जानना चाह रहे हैं। 100 शेयर्स 260 के लेवल्स पे खरीदे हुए हैं SBI, क्या करना चाहिए अभी? होल्ड करेंगे यहाँ पे पल्लवी, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में PSU बैंक्स में तेजी देखी है,
मुझे लग रहा है कि ये तेजी थोड़ी और सस्टेन करनी चाहिए। बैंक्स का मर्जर हो रहा है एसबीआई में, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है एसबीआई के लिए, तो मेरे ख्याल से इसको डेफिनेटली इनको होल्ड करके रखना चाहिए। टेक्निकली अगर हम देखें तो 282 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको कई बार स्टॉक ने क्रॉस करने की कोशिश की है पर सस्टेन नहीं कर पाया, तो मेरे ख्याल से 282 अगर ब्रेक होता है तो शायद हम 300 के लेवल को भी देख सकते हैं बहुत जल्दी, तो होल्ड करके रखें इसको। SBI इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है, बने रहने की सलाह है। फोन लाइन पर राजीव है अपना सवाल पूछने के लिए, इनफैक्ट विवेक से बात कर लेते हैं, कर्नाटक से जुड़े हैं फोन लाइन पर। विवेक गुड इवनिंग, पूछे क्या क्वेश्चन है आपका? एक्चुअली मैंने आईडिया से शेयर खरीदे थे 3,700। क्या भाव है आपका खरीद का? 103। ठीक है, तो अभी जो खबरें चल रही हैं जिस तरह से वोडाफोन के साथ मर्जर की बातचीत हो रही है उसको ट्रैक कर रहे हैं आप? कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या उसको होल्ड करना चाहिए, क्या एग्जिट करना चाहिए। ऑलराइट आशीष, इनफैक्ट आइडिया लगातार कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है, कल के सेशन में ऑलमोस्ट 10% की बढ़त थी क्योंकि खबरें थी कि इसी हफ्ते इनफैक्ट अनाउंसमेंट हो सकती है वोडाफोन के साथ मर्जर को लेकर। आज के सेशन में 112 पर क्लोजिंग हुई है, आज थोड़ा सा कह सकते हैं कि लाल निशानी देखने को मिला, लेकिन इनकी खरीद 103 की है। इस मुनाफे के साथ अभी घर जाना चाहिए या फिर आपको लगता है कि काफी आउटलुक पॉजिटिव है इस मर्जर के बाद, एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है आइडिया के लिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये न्यूज़ बेस्ड ये इवेंट है और ये इनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर रिस्क काफ़ी है, क्योंकि कभी भी न्यूज़ अगर रिवर्स होती है तो वो हमको जितना गैप अप दिया शायद हमको थोड़ा गैप डाउन भी मिले। बट टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, प्योर टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, तो स्टॉक स्ट्रांग है। जो अपमूव कल आया था इसमें, उसके बाद से स्टॉक में अभी मोमेंटम फिर से स्टार्ट हो गया 103 का, जहाँ पर इन्होंने परचेज किया है वो रिसेंट इसका बॉटम बन चुका है, तो मुझे लगता है इसको होल्ड करना चाहिए। बट हाँ, डेफिनेटली स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, क्योंकि अगर न्यूज थोड़ी सी भी रिवर्स होती है तो शायद हम इसको 100 रुपए ब्रेक करते हुए देखते हैं। 98 का स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर मेंटेन करके चलें। तो 98 रुपीज पर स्टॉप लॉस लगाएं और फिलहाल बने रहने की सलाह। फोन लाइन पर राजीव अब जुड़े हैं। राजीव जी नमस्कार, पूछे क्या सवाल है? मैडम, मैंने NMDC जो मैंने 200 शेयर लिया था 147 की। NMDC, ठीक है, कितना समय दे सकते हैं? मैं तो समय देने के लिए तैयार हूँ, कम से कम एक महीना दे सकता हूँ, तो मतलब मैं क्या करूँ। एक्चुअली मैंने 147 पे लिया था, आज के डेट में 139 के। ठीक है, तो लॉस में है और इसका ये डिविडेंड 4% मिलने वाले हैं, तो मैंने इसीलिए इसको ले लिया था। ठीक है, ऑल राइट आशीष, इनफैक्ट लगातार अगर चार्ट देखें तो जून ऑनवर्ड्स ही एक अपवर्ड ट्रेजिक्ट्री है और ऑलमोस्ट 85 के लोअर लेवल से स्टॉक में तेजी आई और 150 रुपये के पार ये स्टॉक गया है। अनफॉर्चुनेटली इनकी खरीद भी हाईस के आसपास के 147 पे खरीदा हुआ है, अभी जो इनको नुकसान हो रहा है, क्या सलाह है NMDC पर? नहीं, इनको मैं सलाह ये दूंगा पल्लवी कि यहाँ पे अगर इनको तेजी दिखती है तो एग्जिट हों। उसके पीछे दो रीज़न है। आप देखें, टेक्निकली भी स्टॉक ने एक डबल टॉप फॉर्मेशन 147-150 की रेंज में किया है, दोबारा स्टॉक उसको टेस्ट करके फिर नीचे की तरफ पलटा है, मतलब वो अपने टॉप को ब्रेक नहीं कर पाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि जो पूरी रैली आई खास करके यूपी चुनाव के बाद की, उसमें इस पर्टिकुलर स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अगर हम इस रैली को हटा देते तो शायद ये स्टॉक हमको 125-130 पे भी दिखता, तो कहीं ना कहीं वीक दिख रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। एक जो जून से अभी तक की रैली थी वो मुझे लगता है कि एक बार को वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर 1-1.5 महीने का इनका पर्सपेक्टिव है तो मैं इनको सलाह दूंगा कि अगर कहीं भी इसको 140-145 के आसपास भी इनको रेट दिखता है, एक बार को एग्जिट करें, 150 के ऊपर इसको ब्रेक करने दें, सस्टेन करने दें, तभी टेक्निकली इसकी दूसरी लेग ऑफ बुलिश रैली स्टार्ट होगी। ऑलराइट, तो फिलहाल बने रहने की सलाह है। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी इटावा से। अश्विनी जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है रानी ब्रेक लाइनिंग से। 15 शेयर है मेरे पास 1050 प्राइस पर। ठीक है, तो कितना समय दे पाएंगे? आपने तो काफी ऊपर जाके खरीदा है। जी, समय तो मैं 2-3 मंथ दे सकता हूँ। ठीक है आशीष, रानी ब्रेक 1285 की इनकी खरीद है, फिलहाल काफी नीचे है 950 रुपए के आसपास, क्या करना चाहिए अभी? टेक्निकली तो मेरे ख्याल से इन्होंने जब हाई बना था इस पर्टिकुलर स्टॉक का बैक इन अक्टूबर, शायद उन्होंने तब इसको परचेज किया होगा और वहां से ये कंसोलिडेशन मोड में आगे बहुत ही टाइट रेंज में ये मूव कर रहा है। ऑलमोस्ट दिसंबर से लेकर अभी तक 150-60 रुपए की रेंज में ये पर्टिकुलर स्टॉक मूव कर रहा है, 900 से 970-950 की रेंज में।
तो जब तक ये इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर ये रेंज ब्रेक करके एक बार ऊपर जाता है तो मेरी इनको सलाह रहेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में से निकलने की, क्योंकि अब ये काफ़ी वीक लगने लगा है स्टॉक। अगर हम इसका चार्ट थोड़ा और बड़ा करके देखें, ड्यूरेशन थोड़ी और लेकर के देखें, ऑलमोस्ट जुलाई में ये 400 रुपये के आसपास ये स्टॉक हुआ करता था, वहाँ से इसने एक नॉन स्टॉप रैली 1200 रुपये तक इन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक ने देखी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो गई, और अगर ये 920-930 का लेवल ब्रेक करता है शायद हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को 800 रुपये भी जाते हुए देख सकते हैं। तो 930 को एक स्टॉप लॉस मान करके होल्ड करके चल सकते हैं। ऑलराइट, फोन लाइन पर हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं सुरेश भटिंडा से। नमस्कार सुरेश जी, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास। सुरेश सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सुरेश जी, अपना स्टॉक का नाम बताएं। मैडम मैंने लिया मदरसन सुमी जी है, 200 शेयर। मदरसन सुमी, हाँ जी, 365 रुपये। ठीक है, एक बार उसका प्राइस बताएंगे, किस लेवल्स पे खरीदा और कितना समय हो चुका है? ठीक है, मदरसन सुमी 320 शायद उन्होंने कहा, 365 के आसपास। ठीक है ठीक है, आशीष 365 के आसपास की खरीद है और ऑलमोस्ट इनके खरीद के आसपास ही है, 2 रुपए का अंतर है। अभी क्या करना चाहिए ऑटो एंट्री स्पेस में, क्या कुछ एक्शन देख रहे हैं आप? डेफिनेटली मदरसन सुमी की अगर हम बात करें, मैं गेस कर रहा हूँ शायद इन्होंने पिछले एक हफ्ते में या एक दो दिनों में इन्होंने परचेज किया, क्योंकि ये रेट अभी टच हुआ है, तो मैं इनको सलाह दूंगा अभी होल्ड करके रखें, क्योंकि ये स्टॉक, दिस स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, एक ईयरली ब्रेकआउट करने के कगार पे ये पर्टिकुलर स्टॉक 370 के आसपास का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 370 ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से 390 से 400 रुपए तक देख सकते हैं। स्टॉप लॉस इनको मैं यहाँ पे जरूर दूंगा, 355 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें ऑन अ पोजिशनल बेसिस, और अगर 370 ब्रेक करता है तो 395-400 रुपए तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो 400 रुपए का स्तर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में 367 का स्तर देखने को मिला है, यहाँ पर बने रहने की सलाह है। अब वक्त है ऐसे 20 स्टॉक्स जानने का जहाँ पर इंट्राडे में आप मुनाफा कमा सकते हैं, यानी शुक्रवार के सेशन में जिन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। पहला स्टॉक है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, चुनिंदा लॉजिस्टिक्स शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ अहम फैसले हुए हैं, इसलिए कल नजर बढ़ा के चले, 66.3 का लक्ष्य रखे, 63.8 का स्टॉप लॉस। सुजलॉन लगातार कई दिनों से इसमें तेजी है और आज कुछ बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसके बाद शेयर में ऑलमोस्ट 8% का अप मूव देखने को मिला है। 18.90 रुपए के लिए इंट्राडे में बेट किया जा सकता है, 18.15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। रिलायंस डिफेंस, आज एडीए ग्रुप में अच्छी तेजी देखने को मिली और सभी शेयरों में औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई, कल के सेशन में बाय करें 64.2 के लेवल्स के लिए, 61.7 का स्टॉप लॉस लगाया। साथ ही पटेल इंजीनियरिंग, चुनावी नतीजों के बाद चुनिंदा इंफ्रा शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है, पटेल इंजीनियरिंग में 83.5 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है, 80.3 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही आपको नजर बना के चलनी है ग्रेफाइट इंडिया पर, मेटल सेक्टर का बाजार की तेजी में आज एक अहम योगदान रहा और अपने एवरेज से ऑलमोस्ट दुगना वॉल्यूम आज देखने को मिला, खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 118 का, 114 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना है। कोल्टे पाटिल, आज कारोबार के आखिरी घंटे में शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली है, यहाँ पर 151.5 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 146.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। कोपरा, एक और मेटल काउंटर जहाँ पर नजर रखें, इनफैक्ट फार्मा स्पेस की कंपनी है, चुनिंदा शेयरों में आज चाल अच्छी देखने को मिली और कारोबार के आखिरी घंटों में खासतौर पर तेजी थी, 4.5% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। कोपरान में टारगेट होगा 76 का, 73.1 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। BL, CS की आउट परफॉर्म रेटिंग है, यहाँ पर लक्ष्य 1800 पर दिया गया है, मैनेजमेंट को ऑर्डर बुक जो है वो भी 10,000 करोड़ पार होने की ऐसा कॉन्फिडेंस है, भरोसा कंपनी ने जताया है, यहाँ पर आप लक्ष्य रखें 169.5 का, 164 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा आपको नजर रखनी है टाइम टेक्नोप्लस पर, कारोबार के आखिरी एक घंटे में वॉल्यूम के साथ तेजी देखने को मिली, औसत से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिला है, 125 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 120 का स्टॉप लॉस लगाएं। 10वां स्टॉक होगा एक सेल कॉल, यूनाइटेड स्पिरिट्स अंडर परफॉर्म से घटाकर रेटिंग CLSA ने सेल कर दी और लक्ष्य 2100 रुपए रखा है। हाईवे पर जो लिकर बैन है और GST दरों में फिलहाल जो भी कुछ कंफ्यूजन था उसके चलते ये रेटिंग डिग्रेड हुई है, यहाँ पर आप सेल करने के लिए 2180 का लक्ष्य रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 2230 पर रखना होगा। 10 कॉल अब तक हमने बताई आशीष, इनमें से कोई कॉल जो आपको अच्छी लगी हो? स्नोमैन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ से, खुला भी GST की भी न्यूज़ है, टेक्निकली उसने बॉटम बना करके और एक अप मूव दिया है,
मुझे लगता है कि 70 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक बोलते पाटिल एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले भी है, और रियल स्टेट में हमने पिछले कुछ दिनों में साइक्लिकल मूव देखी है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में मूवमेंट आई है, मुझे लगता है स्टॉक में 165 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं, तो ये दो स्टॉक्स मुझे काफी पसंद है। अगले 10 स्टॉक्स जान लेते हैं कौन से। जीपी पेट्रो एक स्टॉक है जहां पर नजर बनाएं, 2 महीने की कंसोलिडेशन के बाद शेयर में आज बढ़ा देखने को मिले, 96 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 90.5 का स्टॉप लॉस रखें। सिंटेक्स अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ, मार्च वायदा में तेजी के सौदे बने हैं, संकेत है कि कल भी इसमें तेजी जारी रह सकती है, 106 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 99.5 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाएं। टाटा कम्युनिकेशन एक कंसोलिडेशन के बाद शेयर में आज उछाल देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ, 795 के लक्ष्य के लिए यहां पर बाय कर सकते हैं, 772 का स्टॉप लॉस टाटा कम्युनिकेशन में आपको लगाना है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्सेयर जहां पर नजर रखें, पिछले 100 दिनों के एवरेज पर लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, 186 के लेवल्स के लिए कल बाय किया जा सकता है, 177 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। लूपिन खबर भी है कि यूएस में नई जेनरिक दवा लॉन्च कर दी है कंपनी ने, एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए, 1480 के लक्ष्य के लिए बाय करें, यहां पर स्टॉप लॉस 1448 का आपको रखना है। इसके अलावा HPCL एक और काउंटर जहां पर नजर बना के चलें, आज तेल मार्केटिंग कंपनियों में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है और 508 से 512 के जोन पर सपोर्ट लगातार शेयर ले रहा है, लक्ष्य होगा 532 का, 515 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें खरीदारी करें। नव भारत वेंचर्स आज के बजिंग स्टॉक्स में से एक था, पिछले 7 हफ्तों के उच्च स्तर पर शेयर ने क्लोजिंग दी है, 125 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 118 का स्टॉप लॉस लगाएं। बालमर लॉरी एक और स्टॉक है जहां नजर रखें, 3 महीने की गिरावट के बाद शेयर संभला है, यहां पर 236 यानी 236 के लेवल्स कल टेस्ट हो सकते हैं, 225 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। BPL अगला शेयर है जहां पर आज नजर रख सकते हैं आप, कल के सेशन में 67 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 62.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। और आखिरी शेयर होगा थायरो केयर, फार्मा और हेल्थ केयर शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है, स्टॉक में 100 दिनों की एवरेज पर शेयर ने सपोर्ट लिया है, आज 3.25% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी, 728 के लक्ष्य कल अचीव हो सकते हैं, 708 का स्टॉप लॉस लगाए। आशीष, इन बाकी 10 शेयरों में से कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो, साथ ही डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। सिंटेक्स बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक्स, 100 रुपए का एक रेजिस्टेंस लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल, उसको ब्रेक किया है, मुझे लगता है 107 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा एक और स्टॉक्स जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है ल्यूपिन, फार्मा में काफ़ी हमने तेजी देखी, सन फार्मा में भी हमने काफ़ी मूवमेंट देखा है, मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक जो आपको 1500 तक जाते हुए दिख सकता है। डिस्क्लेमर के तौर पे जिन स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, सेम स्टॉक्स के बारे में हमने राय अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई हो सकती है। थैंक्स अ लॉट आशीष, समय निकाला और बातचीत किया आपने, तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।